हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे होगा अब ये देखो, हमें बोला डिटरमिन द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो एंड सॉल्व यूज़ इट। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूज़ करना है किसके अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व हमने लास्ट लेक्चर में करना सीखा था, है ना। आज क्या करेंगे, देखो जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूज़ करना है इसके अंदर। अगर ये नहीं गिवन होता, ये नहीं दिया होता, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता लास्ट लेक्चर से। लेकिन ये गिवन है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। जो ये इक्वेशंस दी होंगी, इनसे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। वो मैट्रिक्स इनमें से कोई एक बनती होगी, इन इक्वेशन से जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो इनमें से कोई एक होगी। कैसे, देखो इससे क्या इक्वेशन बन, एक मैट्रिक्स बनेगी, 1 1 2 -1 -2 1 और 1 -2 3। देखो कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। तो जो मैट्रिक्स बनती होगी उसे हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए। जो मैट्रिक्स बनती होगी उसे हम क्या मान लेंगे, ए, कोट इट। और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसे हम सी मान लेंगे, बी मान लेंगे। एक्चुअल में सी मान लो, क्योंकि बी हम किसे मानते हैं, जो ये इक्वल वाली मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, जो मैट्रिक्स बनेगी उसे ए मानेंगे और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसे क्या मान लेंगे, सी, कोट इट। तो इसे हम ए मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, सी, ठीक है। तो ये ए इज इक्वल टू, देखो इसे अगर मैं सी मान लेता हूँ, ध्यान से समझना, और इसे मैं क्या मान लेता हूँ, ए। तो सी हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सी ए, कोट इट। तो इसका प्रोडक्ट आप फाइंड कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। प्रोडक्ट हमारा ये होगा इसका, 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कोट इट। इसका प्रोडक्ट यही होगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो इसे हम किससे राइट करते हैं, इसे हम आई से राइट करते हैं, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, हमें इसे सोल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या जरूरी क्या चाहिए होता है, ए इनवर्स बी। एक्स हमारे पास है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स कौन सी है, जो इक्वल में है, 4 9 1, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, ए इनवर्स। अब देखो जो ए इनवर्स है ना, मैं वो यहाँ से फाइंड करूँगा, क्योंकि हमें बोला इस प्रोडक्ट का हमें यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा इसका। ए इनवर्स कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से, ठीक है। ध्यान से समझना, दो टाइप की मल्टीप्लाई होती है अलजेब्रा के अंदर, एक प्री मल्टीप्लाई और एक होती है पोस्ट मल्टीप्लाई, कोट इट, पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई। जैसे मान लो, अब देखो मेरे को ध्यान से समझो, मुझे ए को इस साइड लेकर आना है, कोट इट, मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में ए इनवर्स लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लाऊंगा, देखो मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स लाने के लिए इसे दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोट इट। मुझे क्वेश्चन में ए इनवर्स लाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड क्या कर दूंगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सी को इस साइड डिवाइड में ले जाते हैं, मैट्रिक्स है ना सी, सी क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो ये कभी डिवाइड में नहीं जाती, ठीक है। तो हमें अगर ए इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स से इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई, कोट इट। अब मल्टीप्लाई मैंने बताया अलजेब्रा में कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री का मतलब पहले, जैसे मान लो ए यहाँ पर है, मुझे ए इनवर्स लाना है, तो उसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो वो प्री हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या हो जाएगा, पोस्ट। तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई किस टाइप से करना है, जहाँ जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है वो पास होना चाहिए। जैसे मुझे ए इनवर्स से करना है, तो मुझे ए के पास से करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब ए के साथ, ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए यहाँ पर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, कोट इट। करूँगा तो क्या आएगा, देखो सी ए ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 i, दोनों साइड पोस्ट ही होगी फिर, ठीक है। तो ये ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, आई, और ये क्या, आई इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो उसी के इक्वल होता है, ठीक है। आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करो उसी के इक्वल होगा,
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सी एट को मैं डिवाइड में ले आता हूँ, 1/8 सी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इट मीन्स हमारा जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/8 सी। 1/8 सी क्या है हमारे पास, ये सारी मैट्रिक्स, कोट इट। और ये किसके इक्वल, मतलब ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की। तो अभी इस वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए इनवर्स बी हमारे पास पड़ा है, कोट इट। तो समझ गए ये, ठीक है, ए इनवर्स बी। तो देखो एक्स की वैल्यू तो एक्स वाई जेड, ए इनवर्स हमारे पास ये हो गया, और इन टू में बी, बी कितना है 9491। अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना, कोट इट। तो समझे ये क्वेश्चन, ध्यान से करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, हमें ये इक्वेशंस गिवन होगी, इन इक्वेशंस में से कोई एक मैट्रिक्स बनती होगी, तो क्या करेंगे उस मैट्रिक्स को हम ए मान लेंगे और दूसरी को क्या मान लेंगे, सी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर ये आएगा। फिर हमें ए, ध्यान रखना हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, कोट इट, क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इनवर्स से। तो मैंने ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में, कोट इट। फिर ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आती है, तो सी इज इक्वल टू 8 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, कोट इट। तो इसको आगे आप सोल्व कर लेंगे, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट जैसे स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2। स्टेटमेंट में क्या है कि जो सम है 3 नंबर्स का वो 2 है, 3 नंबर्स का सम कितना है, 2। तो 3 नंबर सम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों का सम कितना है, 2, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द सेकंड नंबर इज एडिड टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड नंबर का ट्वाइस, सेकंड नंबर ये है इसका ट्वाइस, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में ऐड करूं तो सम कितना आ जाता है, 1। फिर कह रहे हैं बाई एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर टू 5 टाइम्स द फर्स्ट, कि सेकंड और थर्ड नंबर को, ठीक है, ऐड करना है किसमें, 5 टाइम्स द फर्स्ट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लोगे आप, इक्वेशंस हैं आपके पास, कोट इट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ ए रेजिडेंशियल, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, आगे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसके। द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवॉर्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स एक्स फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए कितने मेंबर्स को, एक्स मेंबर्स, ठीक है, सम वाई फॉर हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स के लिए कितने मेंबर्स हैं, वाई, एंड फॉर सुपरविजिंग द वर्कर्स, सुपरविजर के लिए कितने हैं, जेड, कोट इट। फिर बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल अवार्ड्स इज 12, तीनों का सम कितना है, सम ऑफ ऑल अवार्ड्स कितना है, 12, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं 3 टाइम्स द सम ऑफ अवार्ड्स फॉर कोऑपरेशन एंड सुपरविजन, कोऑपरेशन का मतलब हेल्पिंग अदर, कोऑपरेशन और सुपरविजन के अवार्ड्स के सम का 3 टाइम्स, कोट इट, 3 टाइम्स किसके इक्वल है, एडिट टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी वाले में ऐड करना है 2 टाइम्स, और कितना गिवन है हमें, 33। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y प्लस 3z, नेक्स्ट देखो इक्वेशन क्या होगी। नेक्स्ट हमें बोला कि फाइंड द नंबर्स ऑफ अवार्ड्स, इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ऑनेस्टी एंड सुपरविजन इज ट्वाइस द नंबर्स ऑफ हेल्पिंग अदर, ऑनेस्टी ऑफ सुपरविजन के जो नंबर्स का सम है वो ट्वाइस है किसके, इसके, हेल्पिंग अदर्स। तो एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन, कोट इट, सोल्व कर लेंगे इसे। नेक्स्ट तो आप कर लेंगे, ये आप नेक्स्ट में भी यही गिवन है हमें,
उसके बाद 15 देखो, टू इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू अवार्ड एम्प्लॉयज फॉर थ्री वैल्यूज ऑफ रिसोर्सफुलनेस कम्पिटेंस एंड डिटर्मिनेशन इन फॉर्म ऑफ प्राइजेज एट रेट ऑफ एक्स वाई जेड. द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू अवार्ड 4-3-2 एम्प्लॉयज विद टोटल प्राइज ऑफ 37,000. देखो एक्स रुपये, वाई रुपये और जेड रुपये, ये इनाम दिया है हमें, ये प्राइज देना है. तो वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन में एक्स रुपीज वाले कितने बंदे हैं, 4. तो एक को एक्स रुपये मिल रहा है तो 4 को कितना मिलेगा, 4x. फिर 3y और जेड वाले कितने हैं हमारे पास, 2z, और टोटल कितना है, 37,000. कॉट इट. नेक्स्ट नेक्स्ट हमें बोला एंड सेकेंड इंस्टीट्यूशन 5, 3, 4, 5x, 3y, 4z. कितना गिवन है हमें, हमें गिवन है ये 47,000. कॉट इट. और नेक्स्ट हमें बोला इफ ऑल द प्राइसेस आर 12,000, सभी का सम कितना है 12,000. तो तीन इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेंगे इसे. ठीक है, तो ये कर लेंगे आप कंप्लीट, क्वेश्चंस करके देख लेना, ट्राई इसके लगभग 18 तक कर लेना, काफ़ी है. ठीक है, तो इतना ही करना आपको. नेक्स्ट जैसे हमें बोला होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से समझना. होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन होती है जो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे मैट्रिक्स के, उसके इक्वल में कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, इसमें सभी की सभी क्या होगी, ज़ीरो. जैसे ये है 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0. इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये got it. तो ये जब 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे कि एक्स वाई जेड क्या है, 0 के इक्वल, ये हमारा आंसर होगा. कोट इट. तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये इस टाइप से आपको करना होगा. तो इसी के साथ आप मैट्रिक्स को कंप्लीट करो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कोट इट. तो इसे कंप्लीट करो मैट्रिक्स को. ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू.